नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सुदेश कुमार गुप्ता आप सबका अपने YouTube चैनल इनकम टैक्स वाला पे स्वागत करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलती रहें। दोस्तों, आज का जो विषय है मेरे वीडियो का, वो मैंने सिर्फ और सिर्फ सोहना एरिया के लिए बनाया है। सोहना एक छोटा सा कस्बा है जो कि गुड़गांव जिले के अंदर पड़ता है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सोहना के अंदर कौन सी जमीन ऐसी है जो शहरी जमीन कहलाती है और कौन सी जमीन ग्रामीण जमीन कहलाती है। आज के वीडियो का विषय इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि शहरी जमीन जितनी भी है वह सारी कैपिटल एसेट्स के अंदर कवर होती है और शहरी जमीन को बेचने पर होने वाले लाभ पर हमें कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, वो बेशक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो। और ग्रामीण जमीन जितनी भी है वह सारी कैपिटल एसेट्स की कैटेगरी से बाहर होती है, उसको बेचने पर होने वाले लाभ पर कोई टैक्स नहीं देना होता। तो आइए शुरू करते हैं अपने विषय को। आज के वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि सोहना तहसील के अंदर लगने वाले जितने भी गांव हैं उन सारे गांवों की जमीन शहरी जमीन कहलाती है या ग्रामीण जमीन कहलाती है। सोहना तहसील के अंदर लगभग 65 गांव लगते हैं, तो आज हम 65 के 65 गांवों की ही बात करेंगे। दोस्तों, कृषि जमीन दो तरीके की होती है, एक होती है ग्रामीण कृषि भूमि और एक होती है शहरी कृषि भूमि। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ग्रामीण कृषि भूमि की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, सिर्फ इतना लिखा गया है कि कोई भी ऐसी जमीन जो कि शहरी जमीन नहीं है वह सारी ग्रामीण जमीन कहलाती है। तो अब हम जानते हैं कि शहरी जमीन किसको हम कहते हैं। शहरी जमीन हम उस जमीन को कहते हैं जो कि उस एरिया की मार्केट कमेटी के अंदर आती हो। इसका दूसरा पैरामीटर है कि अगर कोई ऐसी जमीन है जो कि मार्केट कमेटी एरिया के अंदर नहीं भी आती है तब भी हम उस जमीन को शहरी जमीन कह सकते हैं। इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं जो कि उस एरिया की पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कमेटी के एरिया जहां पे खत्म होता है वहां से आगे कितने किलोमीटर एरियल डिस्टेंस तक की जमीन शहरी जमीन कहलाएगी। एरियल डिस्टेंस दोस्तों होता है कि मान लीजिए ये एक गांव है बालूदा और यह है सोहना। बालूदा तक का पहुंचने का जो सड़क का रास्ता है मे बी वो हो सकता है 3 किलोमीटर तक का हो, ऐसे घूम के हो, लेकिन एरियल डिस्टेंस में हम इस डिस्टेंस को इस तरीके से नापेंगे कि ये हवाई दूरी कितनी है। हवाई दूरी मे बी हो सकता है 1 किलोमीटर की हो और सड़क वाला रास्ता मे बी हो सकता है 3 किलोमीटर तक का हो। तो ये 3 किलोमीटर एरिया इररिलेवेंट है, 1 किलोमीटर वाला एरिया रिलेवेंट है। तो यहाँ पे हमारे ये जितने भी किलोमीटर लिखे हुए हैं ये 2 किलोमीटर 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर ये सारे एरियल डिस्टेंस हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर सोहना एरिया की पॉपुलेशन 10,000 या इससे कम है तो जितनी भी हमारी ज़मीन है बेशक वो सोहना की कवर होती हो या बाहर की होती हो वह सारी ग्रामीण जमीन के अंदर मानी जाएगी। और अगर सोहना की पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है और 1 लाख तक है तो 2 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस की जमीन शहरी जमीन कहलाएगी। और अगर सोहना की पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है और 10 लाख तक है तो 6 किलोमीटर और 10 लाख से भी ज़्यादा है तो 8 किलोमीटर की जमीन शहरी जमीन कहलाएगी। दोस्तों, लास्ट जनगणना के अनुसार यानी 2021 के अनुसार सोहना शहर की आबादी लगभग 2 लाख है। यह डाटा मैंने गूगल से निकाला हुआ है और इसके अनुसार सोहना कमेटी की लिमिट से आगे 6 किलोमीटर हवाई दूरी तक की जमीन शहरी जमीन कहलाएगी। शहरी जमीन को बेचने पे होने वाले लाभ के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, इसलिए आज का वीडियो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वाली स्लाइड के अंदर हम लोग जानेंगे कि सोहना के अंदर जितने भी गांव लगते हैं ये सारे गांव कौन सा गांव ऐसा है जो शहरी जमीन के अंदर कवर होता है और कौन सा गांव ऐसा है जो ग्रामीण जमीन के अंदर कवर होता है। दोस्तों, ये वाला सारा एरिया ऐसा है जो कि सोहना कमेटी के अंदर कवर होता है। ये बिल्कुल बीच शहर के अंदर सोहना एरिया है और ये वाले जो गांव हैं जैसे सरिस्का है, लोहटकी है, बालूदा है, जकोपुर, लाखुवास, रायपुर, रायसीना, सांप की नगली, धुनेला, बेरका और खाईका, ये सारे गांव सोहना कमेटी के अंदर के कवर होते हैं। इसलिए बगैर किसी डाउट के ये सारी जमीन तो शहरी जमीन होगी ही होगी। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया कि म्यूनिसिपल कमेटी के आगे की 6 किलोमीटर हवाई दूरी तक की जमीन शहरी जमीन कहलाएगी, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारी सोहना कमेटी की लिमिट खत्म होती है। यहाँ से आगे 6 किलोमीटर हवाई दूरी तक की जितनी भी जमीन है वह सारी जमीन शहरी जमीन के अंदर कवर होती है। तो यहाँ पे बहुत सारे गांव हैं जिनके मैंने नाम लिखे हुए हैं, जैसे महेंद्रवाड़ा है, बहलपा है, दमदमा, घामरौज, इन सब के आगे मैंने हवाई किलोमीटर तक की दूरियां भी लिखी हुई हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 6 किलोमीटर, लेकिन इन जितने भी ये गांव यहां पे लिखे हुए हैं, खारौदा हो, नूनेरा हो, मंडावर हो, नीमौट हो, इन सब की हवाई दूरी 6 किलोमीटर से कम है,
मीन्स इन गांवों की जितनी भी जमीन है वह सारी जमीन शहरी जमीन के अंदर कवर होगी, और उस जमीन को बेचने पे होने वाले लाभ के ऊपर हमें कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। यहाँ पे और भी काफी सारे गांव हैं, सबके नाम मैं यहाँ पे नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन कुछ के नाम मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, जैसे टोलनी है, ईसा की, सहजावास है, अलीपुर है, धुनेला है, पुलावास है, अभयपुर, खेड़ला, और इधर मैं बात करूँ तो सांचोली, सिलोनी, रहका, ये सारे गांव हमारे शहरी जमीन के अंदर कवर होते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये भौंडसी एक ऐसा गांव है जो कि अगर मैं सोहना साइड से इसकी हवाई दूरी देखूँ तो ये 7.18 किलोमीटर पड़ती है, लेकिन गुड़गांवा एरिया से अगर मैं देखूँ तो 2.63 किलोमीटर पड़ती है। इसका मतलब यह है भी हमारा शहरी जमीन के अंदर कवर होता है। इस 6 किलोमीटर से आगे की जितनी भी जमीन है वह सारी जमीन हमारी ग्रामीण जमीन कहलाती है, जिसको बेचने पर हमें कोई टैक्स नहीं देना होता। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास गांव आते हैं, जैसे लाला खेड़ली है, लोह सिंगनी, सरमथला, खूंटपुरी, बाईखेड़ा, जौलाका और भोगपुर, हाजीपुर, बीधवा का, खत्री का, कुलिया का, सतला का, बादशाहपुर तेथड़ और घेंगोला। ये गांव ऐसे हैं जो कि ग्रामीण जमीन के अंदर कवर होते हैं, और इन जमीनों को बेचने पे हमें कोई भी टैक्स नहीं देना होता, क्योंकि यह है रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, और रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट्स की कैटेगरी से बाहर होती हैं, और इन जमीनों पे हमें कोई भी टैक्स नहीं देना होता। दोस्तों ये जितनी भी एरियल डिस्टेंस की दूरी मैंने लिखी हुई है, यह सारी दूरी मैंने एयर डिस्टेंस ऐप से मापी हुई है। कृषि भूमि से संबंधित मैं आपको कुछ और बातें यहाँ पे बताता हूँ कि कृषि भूमि किसी भी जमीन पर की जा सकती है, बेशक वह शहरी जमीन हो या ग्रामीण जमीन हो। अगर हम शहरी जमीन पर कृषि करते हैं तो वह अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कहलाएगी, अगर हम ग्रामीण जमीन के ऊपर कृषि करते हैं तो वह रूरल एग्रीकल्चर लैंड कहलाएगी। कृषि आय, बेशक वो कृषि आय दोनों जमीनों पे कृषि करके कमाई जा सकती है, बेशक वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड हो या अर्बन एग्रीकल्चर लैंड हो। तो दोस्तों ये थी सोहना से रिलेटेड सारी बातें कि किस जमीन के ऊपर टैक्स लगना है और किस जमीन के ऊपर टैक्स नहीं लगना है। आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आज के इस विषय से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए, मैं श्योरली उसका रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद।